सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, मार्केट के अंदर आ चुके हैं ऐसे फोन जिनको आप खोल के जो है टैबलेट बना सकते हैं, मतलब फोल्डेबल फोन जो है मार्केट के अंदर आ चुके हैं, जिनका प्राइस जो है वो लाखों रुपए के अंदर जा रहा है, डेढ़ डेढ़ लाख, एक एक लाख, दो दो लाख रुपए के आसपास। आप फोन को तो टैबलेट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका यूज ही टैबलेट का है तो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो टैबलेट जो कि 10,000 से लेकर 15,000 की रेंज में आते हैं, मतलब लाखों रुपए उसके लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। बजट सेगमेंट के टैबलेट्स के बारे में बात करूंगा और हाँ, उन टैबलेट से आप फोन का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, मतलब 4G कॉलिंग का उसके अंदर आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो आज मैं लेके आया हूं वो टैबलेट्स जो कि 10,000 से लेकर 15,000 तक की रेंज के अंदर आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर आपको मिलेंगे, लेनोवो का, ऑनर का, सैमसंग का, छाट के लाया हूँ, मतलब कि पूरा एक जिसे कहते हैं ना कि रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ कि हाँ वैल्यू फॉर मनी आपको मिले इस रेंज के अंदर। बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन, द चैनल विद द वाई फैक्टर, इंडियन INDYAN। दोस्तों, आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाए, वाई फॉर द यूथ, वाई फॉर द यंग। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो यूथ है, मतलब एक यंग डिजिटल आर्मी ऐसी बने जिसको पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल के बारे में नॉलेज हो। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं टैबलेट की बात करूंगा वो है ऑनर का मीडिया पैड T3। दोस्तों, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 1.4 GHz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है। ये एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। 2 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी और 16 GB के अंदर आपको स्टोरेज मिलेगी। 16 GB स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हैं 128 GB तक। 9.6 inches की आपको स्क्रीन मिलने वाली है जो कि 800x1280 के पिक्सल पे काम करेगी। IPS LCD डिस्प्ले है। 5 MP का आपको रियर कैमरा मिलने वाला है और 2 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। 4800 mAh के अंदर आपको बैटरी मिल जाएगी और एंड्रॉयड 7 मतलब नोगेट आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है। दोस्तों, इस टैबलेट में जो देखने वाली बात है, इसका प्राइस काफ़ी ठीक है इस सेगमेंट के हिसाब से, परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ मिलने वाली है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। तीसरी अगर बात करूं तो कैमरा भी इसके अंदर ठीक ठाक मिल रहा है। अगर जो आपको थोड़ा सा माइंड में जो रखने वाली बातें हैं, वो स्टोरेज इंटरनल कम मिल रही है, लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हैं 128 GB तक। सिंगल सिम आपको मिलेगा 4G का, तो ड्यूल सिम इसमें नहीं मिल रहा है। हालांकि टैबलेट के अंदर सिंगल सिम मिले वो भी काफ़ी अच्छी बात है। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो वो आपको मिलेगा 13,999 रुपये का अमेजोन के ऊपर। लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, क्लिक करके आप उसमें से बाय कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे अगर टैबलेट की बात करते हैं तो वो है लेनोवो का टैब 48। अच्छा, लेनोवो के टैबलेट के बारे में बात करते हुए मैं एक चीज़ आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं टैबलेट जो है लेनोवो का टैब 48 प्लस जो मैं लेने वाला था, और मैंने लेनोवो के काफ़ी सारे शोरूम से लोकल मैंने ये चीज़ पता करी, लेकिन लेनोवो के जितने भी शोरूम्स हैं जो लैपटॉप बेच रहे हैं उनके पास टैबलेट अवेलेबल नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि लेनोवो जो है वो मार्केट के अंदर अपने इतने सारे शोरूम खोल रहा है, अगर उनके पास मोबाइल हैं, उनके पास टैबलेट है, उनके पास लैपटॉप है, तो वाई डोंट दे इंटीग्रेट ऑल द सॉल्यूशंस। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आदमी लैपटॉप लेने जा रहा है, हो सकता है वो मोबाइल भी खरीद ले, इससे इनकी सेल ही बढ़ सकती है यार, मतलब कम तो नहीं हो सकती है। बट जब मैंने लैपटॉप वालों से पता करा तो उन्होंने बोला कि मैं टैबलेट नहीं रख रहा हूँ। अब हो सकता है ये चीज़ जो है दिल्ली NCR के जो शोरूम है उनके अंदर हो रही हो, तो वो तो देखने वाली बात है। लेकिन मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ऑफलाइन खरीदने की सोची तो मुझे तो नहीं मिला। ऑनलाइन के लिंक तो मैं खैर आपको नीचे दे दूंगा। बात करता हूँ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसके अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 1.4 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। स्नैपड्रैगन 425, 2 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी, 16 GB की स्टोरेज मिलेगी। 8 inch का इसमें आपको डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि 800x1280 के पिक्सल पे चलेगा। ये IPS LCD डिस्प्ले है। 5 MP का आपको रियर कैमरा मिलेगा जबकि 2 MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 4850 mAh के अंदर आपको बैटरी मिल जाएगी। ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलेगा, एक 4G और एक 3G। दोस्तों, आपको 12,341 रुपये का मिल जाएगा। अगर ब्रांड की बात करता हूँ तो लेनोवो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। मैंने इसके टैबलेट्स जो हैं देखे हैं, मैंने तो हालांकि यूज़ नहीं कर पाया था, मैं परचेज नहीं कर पाया था, कभी अभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर परचेज करूँगा। लेकिन मेरे जो जानकार लोग हैं उन्होंने टैबलेट लिया है और दे आर प्रेटी सेटिस्फाइड। हालांकि इसका एक अपर मॉडल लिया था, ये वाला मॉडल नहीं था, उसका 625 का प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन का, एंड दे आर प्लेइंग पबजी वगैरह बहुत आराम से खेल रहे थे उसके अंदर। उस टैबलेट के बारे में मैंने आपको बताया है अपने दूसरे वीडियो के अंदर, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक के जो टैबलेट हैं उनके मैंने लिंक उसके अंदर बताया है कि कौन कौन से टैबलेट जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं आपको वीडियो बना के दूंगा जो कि 10,000 से नीचे, मतलब 5,000 रुपये के आसपास से लेकर 10,000 रुपये तक के रेंज के जो टैबलेट हैं वो आप कौन कौन से ले सकते हैं। फिलहाल तो इसके अंदर मैं आपको 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक के रेंज के जो टैबलेट्स है वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये टैबलेट पसंद आते हैं तो दोस्तों नीचे लिंक है, उसमें आप जाके परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे टैबलेट के बारे में जो कि फ्यूजन 5, ये कि ये एक 9.6 inches की टैबलेट है जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। हालांकि ब्रांड हो सकता है आपने इतना नहीं सुना हो, लेकिन जब मैंने अमेजोन पर इसके रिव्यूज़ देखे
और मैंने देखा कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है टैबलेट की। अगर मैं रेट के हिसाब से बात करता हूँ तो 11,997 रुपये का इसका प्राइस है, जिसके अंदर आपको 9.6 इंचेस की स्क्रीन मिलने वाली है, 5000 mAh के अंदर आपको बैटरी मिल जाएगी, ड्यूल 4G सिम का आपको सपोर्ट मिलेगा और 32 GB की स्टोरेज आपको मिलने वाली है, जो कि 128 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। 2 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी। ये कॉलिंग टैबलेट है दोस्तों, जिसके अंदर आपको 8 MP का रियर कैमरा मिलता है, जो कि अच्छी खासी आपकी पिक्चर्स जो है वो खींच लेगा, और 2 MP का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। 8.1 ओरियो का आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलने वाला है। साथ ही आपको मीडियाटेक का 6735 जो कि 1.3 GHz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है, क्वाड कोर प्रोसेसर आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ड्यूल 4G का ये टैबलेट है, 11,997 इसका प्राइस है। मतलब 10 इंच का टैबलेट आपको 11,000 के आसपास मिल रहा है, जिसमें 32 GB की स्टोरेज हो, तो काफ़ी अच्छा ये डील है जो मैं समझता हूँ, और लोगों के रिव्यूज़ भी इसको लेके काफ़ी अच्छे हैं। तो पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, आप अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिएगा और उसके बाद ही अपना जो है डिसीजन लीजिएगा। और हाँ, क्या आपने हमारे गिव अवे के अंदर पार्ट लिया है? दोस्तों बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ डेट जिस दिन गिव अवे निकलेगा। ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा गिव अवे के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों आपके चैनल पर चल रहा है एक ज़बरदस्त गिव अवे, जिसके अंदर जीत सकते हैं आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच हेडफोन्स, उसके अंदर गेमिंग हेडफोन्स भी हैं। तो बस जीतने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और इसके रिजल्ट निकलेंगे बिल्कुल लाइव। और साथ में एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इसके अंदर आपको जीतने के मौके सिर्फ एक या दो नहीं, पूरे पांच मौके मिलेंगे, यानी कि एक इंसान जो है 5 एंट्री कर सकता है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी एक एंट्री होगी, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आप शेयर करेंगे, और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो ये 5 आपकी एंट्रीज बन जाती हैं, तो जीतने के आपके चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर जीतेंगे, इसको लाइव रिजल्ट इसके मैं निकालूंगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए शेयर, और ऑल द बेस्ट।